हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल में कहां अपन को मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके लिए अपन सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे और फिर इंट्राडे के लिए मंडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं उसके लिए अपन 30 मिनट्स के चार्ट पे लेवल्स मार्क करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अभी अपन आ गए वन वीक मतलब वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में। यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा, अपन को एक यहाँ पे पिछले वीक की वीडियो में अपन ने बात किया था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऊपर का अपन को रेजिस्टेंस जोन देखने को मिला। जब भी यहाँ पे क्रूड ऑयल आया उसे हमेशा यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। और इस वीक इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि है अराउंड इस लेवल के ऊपर, जो कि अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो वो है 6758 के ऊपर। तो इस वीक की हमारी कैंडल जो बनी है क्रूड ऑयल की वो इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई है, जिससे कि अपन को अब एक ऊपर का और अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि अब आगे के टारगेट्स के लिए अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ देखेंगे कहाँ तक अपन को लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अब अपन आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में और यहाँ पे ये एक हमें जोन था जिस जोन को ब्रेकआउट कर दिया क्रूड ऑयल ने इस हफ्ते वाली कैंडल से। और जो अब अपन को अगले अपसाइड का मूवमेंट तक जहाँ तक देखने को मिल सकता है वो रहेगा, पहले एक जोन में वापस से मार्क करूँगा जो कि ये वाला जोन, यहाँ तक अपन को एक डायरेक्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में अराउंड 7770 के आसपास के लेवल तक की। तो ये अपन को सीधे अगला टारगेट यहाँ तक आने को देखने को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए यहीं से एक रिवर्सल हमें देखने को मिली क्रूड ऑयल में तो एक हमें फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन किया जो कि अराउंड ये लास्ट स्विंग जो अपन को देखने को मिल रही है, अगर मैं उसे मार्क करके आपको दिखाऊं तो वो रहेगा ये वाला लेवल जो कि है 6519 का लेवल। तो एक हमें यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर का भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके नीचे आए तो सीधे अपन को यहाँ तक का टारगेट पहले देखने को मिलेगा जो कि अराउंड ये वाला लेवल अराउंड 6000 के आसपास का लेवल, जिसे अपन 5882 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और फाइनल टारगेट अपना ये वाला लेवल रहेगा जो कि 5545 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में और डाउनसाइड में डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ पे अपन को आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। अब चलिए चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और वहाँ देखेंगे कि मंडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जहाँ पे अपन को जिनके ब्रेकआउट पर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब अपन आ गए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड की मोमेंटम कहाँ देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर वापस ब्रेकआउट करता है क्रूड ऑयल जो कि है 6878 का लेवल, तो एक हमें वापस से अपसाइड का यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आगे के टारगेट्स के लिए पहले मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि अपन को लेवल्स देखने को मिले, क्योंकि इन लेवल्स पे बहुत दिनों बाद ट्रेड होते देखने को मिलेगा अपन को क्रूड ऑयल। तो दोस्तों जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि है 6979 के आसपास का। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत बार हमें रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला इस लेवल से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जो कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे जो अपन को अगला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा सीधे ये वाला लेवल जो कि है 7089 के आसपास का। यहाँ भी हमें बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है और जब इसके ऊपर था क्रूड ऑयल तो इस लेवल पर हमें सपोर्ट भी देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जिसपे हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल रहेगा जो कि है 7165 का लेवल। और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो सीधे अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि है 7269 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में क्रूड ऑयल में अगर 6878 का लेवल मंडे के दिन ब्रेकआउट करता है तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल के नीचे ट्रेड करेगा क्रूड ऑयल जो कि है 6511 के आसपास का। अगर इसके नीचे जाता है तो एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा सीधे ये वाला लेवल जो कि है 6413 के आसपास का। और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट बनेगा वो बनेगा ये लेवल जो कि है 6322 के आसपास का। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा जहाँ पे क्रूड ऑयल को सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो रहेगा फिर ये वाला लेवल जो कि है 6232 का। और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि है अराउंड 6130 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे क्रूड ऑयल में डाउन साइड में अगर 6511 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो। अगर क्रूड ऑयल इस रेंज में ट्रेड करे तो यहाँ पे अपन को ट्रेंडिंग मूव नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे अपन को एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ पे अपन को ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले। और यहाँ पे अपन स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं जो कि अपन को बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्कैल्पिंग में, पर हमें ट्रेंडिंग मूव इस जोन में नहीं देखने को मिलेगा। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो अपन इस लेवल के ब्रेक होने तक का वेट जरूर करेंगे जो कि 6878 का। और डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है जो कि अराउंड 6511 का, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरह भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करे क्रूड ऑयल। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी अपन आ गए 1 आवर
आवर के टाइम फ्रेम में, ताकि अपन को एक अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिले और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हमें डाउन साइड में देखने को मिल रही है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड से मार्क करूँ तो एक हमें इस पॉइंट से अगर मैं कनेक्ट करूँ ये वाले पॉइंट से, और यहाँ से अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ और इस पॉइंट को कनेक्ट करूँ सेंटर वाले पॉइंट को यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलेगा जब भी क्रूड ऑयल इसके ऊपर गया एक हमें वापस जब भी एक थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है तो इस ट्रेंड लाइन पर हमें सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला क्रूड ऑयल। जैसे आप देखने को मिलेगा यहाँ भी एक हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला और वापस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है। तो अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल यहाँ से एक हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, साथ साथ 6511 का लेवल भी ब्रेक करता है, तो एक हमें डबल कन्फर्मेशन देखने को मिलेगी डाउन साइड में और बहुत अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। और अपसाइड के लिए हमें 6878 लेवल ही अपन मार्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को आप ज़रूर अपने चार्ट पे मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।